सबसे पहली चीज बेटा, जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिबेंचर होता क्या है, ठीक है। तो सारे बच्चे जरा एक लैंग्वेज देखेंगे कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेट। ध्यान से सुनना बेटा, डिबेंचर इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ डेट ऑफ द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज, ठीक है। अब पहले आप समझेंगे कि डिबेंचर होता क्या है, ठीक है। देखो एक्चुअल में डिबेंचर का मतलब क्या है आप वो समझना, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझेंगे पहले आप लोग बेटा, ठीक है। होता ये बेटा कि अगर हम थोड़ा सा इस चीज को फोकस करके देखें, पहले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होता था जब बेटा, तो कंपनी मार्केट में क्या इशू करती थी बेटा, पहले शेयर्स इशू करती थी। और अगर आप नोटिस करो तो कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती थी तो उसका मेन मोटिव ये होता था कि कंपनी को क्या मिल सके बेटा, पैसे मिल सके, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो तो जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती थी किसको, जनरल पब्लिक को, और जब जनरल पब्लिक बेटा शेयर्स को सब्सक्राइब करते थे तो यही जनरल पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब करने के बाद क्या बन जाते थे, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स। बेसिकली अगर हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये भी हमारी कंपनी के इक्विटी होल्डर्स, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि यही शेयर होल्डर अब मेरी कंपनी के ओनर्स भी बन गए, ऐसा बोल सकता हूं। उसका रीजन ही होता था बेटा। हाँ क्या चीज, नहीं पार्टनर नहीं बोलेगा ना, वो तो बिजनेस ही अलग हो गया है ना। अच्छा मेन रीजन क्या होता था बेटा, पहले वो समझो कि हम शेयर होल्डर क्यों बोलते थे, क्योंकि बेटा अच्छा ओनर क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यही शेयर होल्डर बेटा इनके पास अब हमारी कंपनी के वोटिंग राइट्स भी हैं, ये मैनेजरियल डिसीजंस के अंदर भी अपना डिसीजन, मतलब मैनेजरियल मीटिंग्स के अंदर भी बैठ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर बैठ सकते हैं, तो इसलिए हम इनको शेयर होल्डर्स बोलते थे। बट द पॉइंट इज कि अगर हम बात करें कि कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर इशू किए तो उसका मतलब क्या है, पहले आप वो समझेंगे। देखो डिबेंचर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। यानी डिबेंचर किसी भी कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है, वो भी कौन सी लाइबिलिटी होती है बेटा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब अगर आप लोग को याद हो बेटा तो आपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की चैप्टर 1 पढ़ा होगा, जिसके अंदर डिबेंचर को बेटा हम शुरू करते थे मेजर हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी में, और इसका सब हेडिंग होता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कुछ याद आया, बाकी बच्चों को याद आया कुछ, ठीक है। अब आप समझो बेटा, कंपनी मार्केट में अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसका रीजन क्या है वो समझना। सो लेट्स से ये हमारी बेटा कंपनी है, ठीक है, और ये हो गई बेटा जनरल पब्लिक। ध्यान से समझना इस पॉइंट को बेटा। सो कंपनी मार्केट में बेसिकली पब्लिक से क्या चाहती है, पब्लिक से पैसा तो चाहती है बेटा, बट वो पैसा कंपनी जो पब्लिक से पैसा ले रही है वो बेसिकली क्या है बेटा, लोन की फॉर्म में। ध्यान से समझना, कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे मांग रही है बेटा, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में मांग रही है, लोन के फॉर्म में मांग रही है, ठीक है। और इसके लिए कंपनी जनरल पब्लिक को क्या इश्यू करेगी बेटा, क्या इश्यू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। शेयर्स के केस में क्या होता था बेटा कि कंपनी ने जनरल पब्लिक से पैसे लिए तो कंपनी अपनी ओनरशिप दे देती थी, यानी कंपनी उनको शेयर होल्डर बना देती थी। बट यहां पर कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे तो ले रही है लेकिन लोन के फॉर्म में ले रही है, वो भी कैसा लोन, लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में ले रही है, ठीक है। और इसीलिए बेटा कंपनी अभी शेयर्स इशू नहीं करेगी बल्कि क्या इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। क्या ये पॉइंट सब बच्चों को समझ में आया, ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी चीज और है बेटा, पहले वो भी समझ लो उसके बाद बात करेंगे आगे। देखो जब एक चीज ध्यान रखना, अगर कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, तो यही जनरल पब्लिक हमारी कंपनी के बन जाते हैं बेटा शेयर होल्डर। अगर कंपनी, ध्यान से समझना इस पॉइंट को क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है बेटा तो यही जनरल पब्लिक हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो
तो यही शेयर होल्डर, यही जनरल पब्लिक बेटा मेरी कंपनी के क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बच्चों, डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट और, शेयर होल्डर्स को यानी जनरल पब्लिक को जब वो शेयर सब्सक्राइब करते थे तो उनको रिटर्न में क्या मिलता था बेटा, डिविडेंड, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। बट बेटा डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलेगा बच्चों, क्या लिखा है मैंने, इंटरेस्ट। उसका एक रीजन है, अगर आप नोटिस करो तो डिबेंचर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लोन, यानी हम पब्लिक से बेटा लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या अगर हम बैंक से लोन लें तो हमें बैंक के लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कि नहीं, है ना। सो सिमिलरली बेटा अभी हमने बैंक से लोन ले लिया, हमने जनरल पब्लिक से लोन लिया है और उसके बदले में डिबेंचर इशू कर दिया, तो हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न में क्या पे करेंगे बेटा, इंटरेस्ट पे करेंगे। और ध्यान रखना कि इंटरेस्ट कैसा रहेगा बेटा, फिक्स्ड रेट का रहेगा इंटरेस्ट। बात समझ में आई, ओके। तो अब इसी के बेसिस पे हम एक बार वापस से डेफिनेशन पे आते हैं बेटा, तब उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर और शेयर्स और डिबेंचर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। So basically, debenture is a type of document given by a company as a evidence of debt. यानी अगर company ने बेटा general public से debt लिया है, तो उसके evidence के तौर पे बेटा company एक document देती है general public को, and that document is known as debenture. बात समझ में आई, ठीक है। और उसके चार्ज में बेटा company क्या pay करती है, interest pay करती है अपने debenture holders को। ये भी बात समझ में आई, सारे बच्चे समझ गए हैं, एवरीवन, ठीक। चैतन्य, जसरूप क्लियर है, सौरभ क्लियर है, सार्थक, चलो अब आते हैं बेटा जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा। तो देखो डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन ऑफ द कंपनी, जबकि शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्योंकि बेटा कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को कैपिटल रिसीव होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है, जबकि कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है बेटा तो कंपनी का लोन इंक्रीज होता है। अगर आप नोटिस करो तो डिबेंचर और शेयर्स ये दोनों लाइबिलिटी साइड में शो होंगे बेटा, लेकिन डिबेंचर को लाइबिलिटी साइड में बेटा हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तौर पर शो करेंगे, जबकि शेयर्स को बेटा हम कहां इशू शो करते हैं, शेयर कैपिटल में शो करते हैं। बात समझ में आई यहां तक, ठीक। डिबेंचर्स के जो ओनर होते हैं बेटा, इधर हम उन्हें क्रेडिटर बोल सकते हैं या फिर हम उन्हें और क्या बोलेंगे बेटा, डिबेंचर होल्डर बोलेंगे। जबकि शेयर्स के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं बेटा, इधर हम उनको ओनर्स बोल सकते हैं या फिर हम उनको और क्या बोलते हैं बेटा, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमारी कंपनी के ओनर्स इसलिए बोले जाते हैं बेटा क्योंकि वो मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके पास वोटिंग राइट होता है। जबकि डिबेंचर होल्डर्स के पास बेटा ना कोई वोटिंग राइट होता है, ना ही वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी में। बात समझ में आई, सारे बच्चों, ओके। एक और चीज बेटा, डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न में इंटरेस्ट पे किया जाता है फ्रॉम कंपनी, एंड शेयर होल्डर्स को बेटा रिटर्न में डिविडेंड पे किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट बाय द कंपनी। यहां तक सारे बच्चे क्लियर, सारे, नहीं नहीं शेयर्स नहीं पढ़ना बेटा, बस ये कि एक बार डिफरेंस समझना जरूरी था, ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए ध्यान से सुनना, हालांकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, बट एक बार हमें समझना होगा। देखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर चार टाइप्स के डिबेंचर होते हैं, ठीक है। एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है बेटा मॉर्टगेज डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर वो होता है बेटा जो कि मतलब सिक्योर्ड होता है, उसमें ना फिक्स मार्केट और फ्लोटिंग एक्सचेंज, मतलब फ्लोटिंग मार्केट और फिक्स मार्केट, यानी फिक्स और फ्लोटिंग अगर कोई चेंज आ रहा होता है तो उस चेंज से बेटा सिक्योर डिबेंचर्स को अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सिक्योर डिबेंचर्स बेटा वो प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट से फिक्स होते हैं, मतलब आपको उस पर उतना ही इंटरेस्ट पे करना है जितना आपने फिक्स कर रखा है। लेकिन जो मॉर्टगेज डिबेंचर होते हैं बेटा वो एक्चुअल में सिक्योर्ड नहीं होते, क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या होता है,
कि अगर हमने पब्लिक से पैसा उठाया बेटा तो बदले में ना हमें कोई मॉर्गेज रखना पड़ता है, उस डिबेंचर के लिए हमें कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है जनरल पब्लिक के पास या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो इसीलिए मॉर्गेज डिबेंचर को हम नॉन सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद बेटा रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर और एक होता है बेटा इररिडीमेबल यानी नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं पहले वो समझो। मैंने आपको क्या बोला कि डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन बेटा। मान लो मैंने पब्लिक से 10 लाख रुपए के डिबेंचर ले लिए, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये मैंने 10 लाख रुपए का लोन पब्लिक से ले लिया है, ठीक है। तो क्या ये लोन मैं पब्लिक को फिर बाद में वापस करूंगा कि नहीं करूंगा, राइट? वापस तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये बेटा कि यही 10 लाख रुपए यानी यही पैसा जब मैं वापस करूंगा तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो उनको हम रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। जबकि कुछ डिबेंचर्स बेटा नॉन रिडीमेबल यानी इररिडीमेबल होते हैं। और बेटा इस केस में क्या होता है कि हम अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा कभी वापस नहीं करते, लेकिन उनको लाइफ टाइम तक जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी तब तक हम उन इररिडीमेबल डिबेंचर्स को हमेशा क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। सिमिलरली बेटा और एक टाइप का डिबेंचर होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। बेटा रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रजिस्टर करके रखती है एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट के थ्रू। लेकिन बियरर डिबेंचर जो होते हैं बेटा, बियरर डिबेंचर का मतलब होता है कि ये वो डिबेंचर होते हैं जो कंपनी यूज करती है ट्रांसफर के लिए। मान लो मैं कंपनी हूं, आप सारे जनरल पब्लिक हो। मान लो मैंने प्रशांत से 10 लाख रुपए का लोन लिया था, अभी उसके पेमेंट का टाइम आ गया बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने क्या किया, फ्रेश डिबेंचर इशू किया आदित्य को, उससे पैसा लिया और उसके पैसे को मैंने प्रशांत को पे ऑफ कर दिया। तो मतलब बियरर डिबेंचर जो होते हैं बेटा वो रजिस्टर्ड नहीं होते बल्कि उनको अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या यहां तक समझ गए आप लोग? ओके, एंड द लास्ट वन इज बेटा कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। सी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं बेटा जिनको हम आगे चल के फ्यूचर टाइम में शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं बेटा जो कभी भी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ये भी पॉइंट समझ गए सारे सारे? ओके, अब हम आते हैं बेटा जर्नल एंट्री पे। अब देखो मैं आप लोगों को ना पहले एक बार जर्नल एंट्री दिखा देता हूं, उसके बाद फिर कराना शुरू करूंगा, फिर ये प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मैं आप लोग को जर्नल एंट्री दिखा देता हूं। अगर आप जर्नल एंट्री देखो बेटा तो अभी भी वही प्रोसेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आप अगर नोटिस करो तो प्रोसीजर भी सेम है, पहले बैंक की एंट्री आएगी एप्लीकेशन में क्योंकि हमारे पास मनी आता है सबसे पहले पब्लिक से, फिर कंपनी अलॉट करती है, फिर अलॉटमेंट की कॉल डिमांड करती है, पब्लिक से अलॉटमेंट का पैसा लेती है। सिमिलरली फर्स्ट कॉल डिमांड करेगी, पैसा लेगी, फाइनल कॉल डिमांड करेगी एंड पैसा लेगी, है ना। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ कुछ चीजें फर्क हो रही है बेटा। फर्क क्या है, पहले हम लिखते थे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अभी हम शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट होता था बेटा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अभी हम शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ये इंटरेस्ट का परसेंटेज है जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ध्यान रखना। इस इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन आप लोग को जर्नल एंट्री में नहीं करनी है, सिर्फ आपको इसका प्रेजेंटेशन पे, लेट से 10% डिबेंचर है तो आप हमेशा बस 10% डिबेंचर लिखोगे, लेकिन इस 10% की कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करनी है आप लोगों को, समझे? ओके, सो एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक मतलब आप ये कह सकते हो बेसिकली ये ट्रिक पॉइंट है। ट्रिक पॉइंट ये बेटा, शेयर्स की जगह पे, ठीक है, चाहे वो शेयर एप्लीकेशन हो, चाहे वो शेयर अलॉटमेंट हो, चाहे वो शेयर फर्स्ट कॉल हो या फिर बेटा शेयर फाइनल कॉल हो, अभी हम इन सब जगहों पे शेयर्स की जगह पे क्या मेंशन कर देंगे बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन।
फिर शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या मेंशन कर देंगे बेटा, डिबेंचर अलॉटमेंट। सिमिलरली शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या मेंशन कर देंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल। और जहां जहां शेयर फाइनल कॉल आता था वहां पर अभी हम क्या मेंशन कर देंगे, डिबेंचर फाइनल कॉल। क्या ये पॉइंट सब बच्चे समझ गए? अच्छा, सेम ट्रिक पॉइंट पे बेटा एक और चीज ध्यान रखना, पहले जहां जहां हम शेयर कैपिटल लिखते थे अब वहां पर शेयर कैपिटल की जगह हम क्या मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे बच्चों, बोलो बोलो, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना होगा आप लोगों को, हालांकि इसका मैं पूरा प्रोसेस कराऊंगा एक बार, ठीक है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग एक बार जरा बेटा जल्दी से, फिर कराना शुरू कर रहा हूं मैं। हरे आप, हरे आप, डन चलो, डन ठीक। चलो आते हैं बेटा जरा पहले प्रोसेस पे, ठीक है, सेम प्रोसेस है जो हमने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, डिटो सेम प्रोसेस हमें समझना है, ठीक है। अब चलो हमारे पास चेतन ने, ठीक है, इसने मेरे साथ ही प्रोसेस कभी आज तक नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले मैं इसी से पूछूंगा, ठीक है। चेतन ने एक बात बताओ, अगर मैं कंपनी हूं तुम जनरल पब्लिक हो, ठीक है, मैंने मार्केट में अभी डिबेंचर इशू किए, तो तुम, और एक बार बताओ डिबेंचर इशू अगर मैं करूंगा तो क्या मैं सारा पैसा तुमसे एक ही बार में ले लूंगा या उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स बनाऊंगा? बोल बोल बोल, सही, ठीक है, ठीक है, बोल। ठीक 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 देन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा, अब मेरी बात जरा सारे बच्चे भी बेटा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, हम उसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से समझना जरूरी होगा। तो बेटा ध्यान से समझना, ये हो गई हमारी कंपनी और ये हो गई हमारी जनरल पब्लिक, कंपनी एंड दिस इज जनरल पब्लिक। बेटा सबसे पहले कंपनी मार्केट में डिबेंचर्स को क्या करेगी, इश्यू करेगी, ठीक है, और बेटा पब्लिक क्या करेगी इन्हीं डिबेंचर्स को क्या करती है, पब्लिक सब्सक्राइब करती है। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, कंपनी डिबेंचर का भी बेटा सारा पैसा एक बार में नहीं लेती, बल्कि उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स यानी इंस्टॉलमेंट्स बनाती है, जिसमें बेटा पहली इंस्टॉलमेंट यानी पहली कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी कॉल का नाम होता है बेटा अलॉटमेंट, तीसरी कॉल का नाम रहेगा बेटा फर्स्ट कॉल, एंड देन लास्ट रहेगा बेटा हमारा इधर फाइनल कॉल या फिर सेकेंड कॉल। याद आ गया सब बच्चों को, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने मार्केट में डिबेंचर इश्यू किए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आप मुझे क्या करोगे, एप्लीकेशन मनी पे करोगे। तो बेटा अगर आपने मेरे को, अब ध्यान से देखते जाएंगे बेटा, यहीं से जनरल एंट्री भी क्लियर हो जाएगी, अगर आपने मेरे को एप्लीकेशन मनी पे किया बेटा तो मेरे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, एंड सिंस हम ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बेटा, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो मेरी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। पहले बेटा हम शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, अभी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखेंगे, शाबाश, अब हम मेंशन करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मेरे पास बेटा पब्लिक का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया, अब मैं इन्हीं शेयर डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स अलॉट करूंगा, तो जनरल एंट्री विल बी, पहले होती थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अभी शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या मेंशन, सॉरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होती थी, अभी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या मेंशन करूंगा, अकाउंट डेबिट, और बेटा शेयर कैपिटल की जगह क्या मेंशन करूंगा, करेक्ट, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। पहले बताओ सब बच्चे ये बात समझ गए,
उसके बाद क्या होता है बेटा, अब देखो आप मेरी कंपनी के अब क्या बन गया बेटा, डिबेंचर होल्डर्स बन गए। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कितना आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू है। तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो जर्नल एंट्री पहले होती थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो अभी शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या मेंशन करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बहुत बढ़िया। टू शेयर कैपिटल की जगह क्या मेंशन करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, बहुत बढ़िया शाबाश। अब बेटा आप यानी जनरल पब्लिक मुझे पैसा पे करेगी, तो मेरे पास मनी कम्स इन, तो मनी रिसीव हो रहा है बेटा, तो अमाउंट रिसीव होता है तो मनी कम्स इन यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले हम लिखते थे शेयर अलॉटमेंट, अभी शेयर अलॉटमेंट की क्या मेंशन करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट कंपनी आपसे डिमांड करती थी यानी आपको बताती थी कि आपका फर्स्ट कॉल ड्यू कितना है, क्या आप में से कोई बच्चा बताएगा उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, एनीवन? आई शाबाश, क्या सही बोला इस बच्चे ने, बिल्कुल। सो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और बेटा जब पैसा रिसीव होता है उसकी जनरल एंट्री बोल दो जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, गुड शाबाश, ओके। एंड बेटा एक बात बताओ, फिर हम फाइनल कॉल की ड्यू करेंगे, तो फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री भी क्या होगी, जल्दी से बोल दो भाई कोई भी बच्चा। फाइनल फाइनल पूरा पूरा ऐसे नहीं, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, बहुत बढ़िया। और बेटा जब हमें ये पैसा रिसीव हो जाएगा यानी जब ये अमाउंट रिसीव होगा तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। पहले बताओ बात समझ में आ गई सब बच्चों को, ओके चलो इसी चीज को बेटा अगर आप प्रोसेस वाइज देखें तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है बेटा, अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे स्क्रीन पे, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले बेटा कंपनी के पास अमाउंट रिसीव होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, ठीक है। देन कंपनी उसके पास शेयर्स अलॉट करती है, किसको, सॉरी डिबेंचर्स अलॉट करती है, किसको, जनरल पब्लिक को। देन बेटा कंपनी बताती है कि आपको कितना अलॉटमेंट देना है, पब्लिक क्या करेगी, अलॉटमेंट मनी फिर हमें पे करेगी यानी हम रिसीव करेंगे। फिर कंपनी बताती है कि आपको डिबेंचर पे फर्स्ट कॉल कितना देना है, देन पब्लिक क्या करती है बेटा, फर्स्ट कॉल मनी पे करती है हमको। देन फिर उसके बाद बेटा कंपनी बताएगी कि आपको फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल कितनी देनी है, देन बेटा पब्लिक पे करेगी हमें फाइनल कॉल, यही होता था। अब अगर आप नोटिस करो तो आपने मेरे को जो जर्नल एंट्रीज बताई है बेटा, क्या यही वो जर्नल एंट्रीज हैं जो मैंने अभी भी आप लोगों से पूछ रहा था, डिटो सेम है बच्चे लोग, ओके। अच्छा एक और चीज और, अगर आप लोगों को याद हो बेटा प्रीमियम का केस, ठीक है, तो प्रीमियम की जो जर्नल एंट्री होती थी वो हमेशा हम कौन सी कॉल पे शो कर, वो हमेशा हम कहां शो करते हैं बेटा, किस वक्त, ड्यू कॉल के वक्त शो करते हैं, और अमाउंट जो हमें रिसीव होता है उसके अंदर हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट प्रीमियम इंक्लूड करके लिखते थे। मतलब अगर मैं इसका ना एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, रुको एक एग्जांपल हो जाए इसी चीज पे, सो दैट ना ये चीज अच्छे से समझ में आए। सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा और उसके बेसिस पे समझते हैं, कंपनी इशूड 1000 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच, और पैसा लेके कैसे बेटा कंपनी, एप्लीकेशन पे लेट से 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे लेट से 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे लेट से 20 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे बेटा लेट से 10 रुपीज, ठीक है। अब देखो 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है जिसमें हम एप्लीकेशन 30 रुपीज ले रहे हैं बेटा, अलॉटमेंट 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 10 रुपीज। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पब्लिक ने बेटा हमें 1000 डिबेंचर पे 30 रुपीज दे दिए, तो कितने पैसे आ गए हमारे पास,
फिर हम क्या करेंगे बेटा, कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को डिबेंचर्स क्या कर देगी, अलॉट कर देगी। फिर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, 1000 डिबेंचर पे कितने रुपीज मांगेगी कंपनी, 40 रुपीज, यानी 40,000 रुपीज। पब्लिक क्या करेगी, हमको पे कर देगी, तो 40,000 ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली कंपनी फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज, यानी 23,000 रुपीज मांगेगी, पब्लिक पे कर देगी बेटा, तो वो पेमेंट के एंट्री में आ जाएगा। एंड लास्ट कंपनी फाइनल कॉल मांगेगी, तो उसकी एंट्री ड्यू कॉल, एंड जब पैसा रिसीव हो जाएगा तो उसकी एंट्री। क्या ये सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। सपोज करो मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दूं बेटा, ठीक है। अब मैं यहां पर ये लिखता हूं बेटा, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 1000 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर 100+20 रुपीज का है, तो बेटा ये जो प्लस 20 है दैट इज नोन एज प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। चलो बेटा ये प्रीमियम हम ले रहे हैं अलॉटमेंट कॉल पे, तो इसका मतलब ये है कि जब हम अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री करेंगे तो हमें उसमें प्रीमियम शो करना पड़ेगा, हाँ या ना। ओके, सो जर्नल एंट्री बेटा यहां पर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डिबेंचर, रुको पहले थोड़ा सा इसको रिमूव कर दिया जाए। ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा सारे बच्चे जर्नल एंट्री। सो हम जर्नल एंट्री मेंशन करेंगे बेटा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 2 क्या मेंशन करेंगे बच्चों, कोई बच्चा बताना चाहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी बेटा हमें 1000 डिबेंचर पे अलॉटमेंट के वक्त 60 रुपीज तो मिल गए, यानी 60,000 मिल तो गए, लेकिन हमारा डिबेंचर 40,000 का था और 1000 डिबेंचर पे 20 रुपीज का हमें क्या मिला है प्रीमियम, तो यानी 20,000 रुपीज प्रीमियम मिल गया। क्या ये सारे बच्चे समझ गए, तो मतलब बेटा कंपनी ने अलॉटमेंट के वक्त 1000 डिबेंचर्स पे 60 रुपीज मांगे, 40 रुपए डिबेंचर के लिए और 20 रुपीज प्रीमियम के लिए। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना अमाउंट आएगा बेटा, हमें कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, 60,000। क्या सब बच्चे ये बात समझे कि नहीं समझे बच्चों, एवरीवन? ओके, चलो सपोज करो मैं यहां पर थोड़ा सा और चेंज कर दूं, मैं लिखता हूं कि बेटा 30 रुपीज का प्रीमियम था, 20 रुपीज का प्रीमियम हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया और 10 रुपीज का प्रीमियम हम फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं, तो बेटा फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या होगी, बिल्कुल क्या सही बोल रहा है बेटा ये, राइट। सो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी बेटा हम डिबेंचर होल्डर से 1000 डिबेंचर पे फर्स्ट कॉल के वक्त 30 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं, यानी 32 रुपीज मांग रहे हैं, क्यों, क्योंकि 20 रुपीज का डिबेंचर है और 10 रुपीज का हमारा क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो बेटा अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितना अमाउंट आना चाहिए, 30,000 रुपीज। क्या सब बच्चे ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए, जल्दी बताओ। सो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया,